तो हमने बताया नेम अ प्लांट विच हैज थ्री टाइप ऑफ फ्लावर्स. तो इट इज एरम अरबी, अनदर इज फिग दैट इज अंजीर, जिसमें मेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स है एंड न्यूटर फ्लावर्स है. हाँ जी, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन पी. जल्दी से बोलो कौन बता रहा है, खुद बताओ बेटा. कार्तिक आपको याद है बेटा पी में कौन सी प्लेसेंटेशन है? हाँ गुंजन बताओ. मार्जिनल प्लेसेंटेशन, वेरी गुड. टोमेटो में शिवांशी. अतिभा आप बताओ बेटा. हाँ एक्साइल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल ठीक है. मस्टर्ड में कृषा आप बताओ. पेराइटल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल ठीक है. तुलसी में कौन सी आ जाती है? एनीवन? इट इज बेसल प्लेसेंटेशन. तुलसी में बेसल प्लेसेंटेशन. एंड डायंथस में कौन बता रहा है? फ्री सेंट्रल. सेंट्रल, बिल्कुल ठीक है. डायंथस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल ठीक है ना, सबने नोट कर लिया. नेक्स्ट, नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज प्रेजेंट इन, ये कार्तिक बता देगा. नेचुरल पार्थिनोकार्पी. हाँ जी कार्तिक. अर्नव आप बताओ बेटा नेचुरल पार्थिनोकार्पी. हाँ जी बोलो बेटा. सो नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, इट इज प्रेजेंट इन, एक मिनट बेटा, नेचुरल पार्थिनोकार्पी. हाँ जी और कौन बता रहा है? अतिभा आप बताओ बेटा. इट इज इन बनाना, ठीक है जी. नेक्स्ट शिवांशी आपको पता है ये डैश इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम. आपका आंसर ठीक था, बोलो जल्दी से. मैम एप्पल. एप्पल, बिल्कुल ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स. ये बेटा अतिभा थोड़े से गड़बड़ है, मुझे बताते चलो. हाँ जी अतिभा, बनाना इज फ्लैशी फ्रूट, यस और नो बताते चलो. हाँ जी कृष्णा आप बताओ. बनाना. बनाना इज फ्लैशी फ्रूट. उसके बाद लीची. नो मैम. लीची नो, लीची इज ड्राई फ्रूट. आप साथ साथ लिखते चलो ये कौन से है. वैसे बनाना फ्लैशी सिंपल फ्रूट, लीची ड्राई फ्रूट, टोमेटो. जल्दी से कोई सा बताओ. यस टोमेटो इज फ्लैशी सिंपल फ्रूट. वीट, जल्दी से. नो मैम. नहीं, वीट इज ड्राई फ्रूट, कोरिएंडर इज ड्राई फ्रूट, कैश्यू नट, काजू. जल्दी से. नो मैम. ड्राई फ्रूट है. आलमंड, बादाम जो है. फ्लैशी. इट इज ए फ्लैशी फ्रूट. कोकोनट. फ्लैशी. फ्लैशी फ्रूट. रसबरी. यस रसबरी. रसबरी इज एन एग्रीगेट फ्रूट. ये फ्लैशी सिंपल फ्रूट नहीं है, ये एग्रीगेट फ्रूट है. उसके बाद मलबरी. मलबरी जो है वो कॉम्पोजिट फ्रूट है बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस, इसलिए फ्लैशी सिंपल नहीं है. मैंगो. मैंगो क्या है? फ्लैशी सिंपल फ्रूट. एप्पल. एप्पल इज ऑल्सो ए फ्लैशी सिंपल फ्रूट. सो बनाना, टोमेटो, आलमंड, कोकोनट, मैंगो, एप्पल, ये है. हाँ जी ये बताओ जल्दी से कौन बता रहा है? गुंजन आप. एंजियोस्पर्मिक फैमिली इन विच पेरियंथ इज प्रेजेंट.
हमने तीन फैमिलीज की थी बेटा, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। इनमें किस कौन सी फैमिली थी जिसमें पेरियंथ था, केलेक्स एंड सेपल्स एंड पेटल्स नहीं थे? मैम लिलिएसी। इट इज लिलिएसी। वेरी गुड शिवांशी, इट्स लिलिएसी, मोनोकॉट फैमिली। व्हाट इज कैरियोप्सिस और ग्रेन? ये शिवांशी आपने ठीक नहीं लिखा, कोई और बताएगा। कैरियोप्सिस और ग्रेन, यस, कौन बता रहा है? सीरत, कैन यू टेल मी? मैम ग्रेन इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट वेयर सीड कोट इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। हां जी बेटा, सिंगल सीडेड फ्रूट है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट एक दूसरे से फ्यूज्ड है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन विच फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। अतिबा, रेसमोस, बिल्कुल ठीक है। ब्रैक्ट बेटा फ्लावर में ही होती है, ये तो बात ठीक है, बट वेयर ब्रैक्ट इज प्रेजेंट? फ्लावर में कहां पे ब्रैक्ट है? हां जी कार्तिक, कार्तिक डोंट नो मैम, यू डोंट रिमेम्बर। अर्णव, डू यू रिमेम्बर? गुंजन, आप बताइए बेटा। हाँ जी अर्णव, आप बताओ बच्चे। हाँ यस, वेयर ब्रैक्ट इज प्रेजेंट? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, इट इज प्रेजेंट नियर द पेडिसल या एट द बेस ऑफ द फ्लावर ऑफ द पेडिसल। हाँ इट इज प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है गुंजन, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। जहां पर बेस ऑफ द फ्लावर में जहां पे पेडिसल अटैच हो रही है वहां पे ब्रैक्ट होती है, ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट, सीरा, द टाइप ऑफ एस्टिवेशन फाउंड इन केलेक्स एंड करोला फैमिली फैबेसी। फैबेसी में पी आ जाता है बेटा। केलेक्स, सेपल्स का कैसा अरेंजमेंट होता है और पेटल्स का कैसा है, जल्दी से? सरगम, आप बताओ बेटा। मैम वैक्सिलरी। बेटा केलेक्स का कॉपी खोलो जहां पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है फैबेसी का, देखो फ्लोरल डायग्राम देखो, वहां पे केलेक्स देखो पहले। केलेक्स कैसी है? वाल्वेट एस्टिवेशन बेटा, किसी को जो है सभी सेपल्स जो है वो बराबर है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इट इज वाल्वेट एस्टिवेशन। और करोला में आ जाती है वैक्सिलरी, तो केलेक्स में वाल्वेट, करोला में वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब ये 11th एंड 12th तो मैंने तुम्हें बनाए हुए क्लास में बनवाए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसमें से कुछ नहीं पूछती मैं आपसे। 40, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी कौन बता रहा है बेटा? यस एपिपेटलस, व्हाट डू यू मीन बाय एपिपेटलस? हाँ जी गुंजन, गुंजन ने बहुत अच्छा किया हुआ है, अपना वीडियो ऑन कर लिया, दैट्स गुड गुंजन, बाकी के भी अगर कर लोगे तो बेटर रहेगा। हाँ जी एपिपेटलस क्या है? हाँ हाँ बोलो। हाँ जी सरगम, आप बोलो बेटा। एपिपेटलस स्टेमंस। मैम व्हेन द स्टेमंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स, ठीक है, व्हेन द स्टेमंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स इट इज कॉल्ड एज एपिपेटलस, वेरी गुड। टेट्राडायनेमस। अतिभा, the condition of androecium in which there are six stamens, the outer two are shorter and the inner four are longer. बिल्कुल ठीक है, stamens in two whorl and are of two type sizes,
आउटर टू शॉर्टर इनर फोर लॉन्गर. बिल्कुल ठीक है मस्टर्ड. बिल्कुल एग्जाम्पल है मस्टर्ड. वेरी गुड. एसिमेट्रिकल फ्लावर शिवांशी. Mam, which cannot be divided into two similar halves by an by any plane, which cannot be divided into two similar halves by any plane, या two similar parts by any plane, that are called as asymmetrical flowers. Example है kana, CANNA. Then next is syncarpous ovary. Kartik, ये याद है बेटा syncarpous. No ma'am. कल तेरा पेपर है बायो का. मैं तो शायद दूंगा ही नहीं क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी उसकी. मैं केमिस्ट्री की कर रहा था. ऐसा तो नहीं बेटा, कुछ तो देना ही चाहिए. syncarpous का मतलब है, हाँ जी कौन बता रहा है बेटा syncarpous? Arnav, can you tell me? Hanji, Krisha? Ma'am, which has more than one carpal. And are fused with each other. Fused. ठीक है? So, syncarpus is multi-carpellary fused carpals. When there are more than one carpal and are fused with each other. That is called as syncarpus. उसके बाद droop. Yes, Sargam, you tell me what is droop. Ma'am, the fruits, ma'am, in which the endocarp is strong. Is stony. It is the fleshy fruit. It is the simple fleshy fruit in which the endocarp is stony. Example है coconut, almond, mango. Another is steminode, कर लेना अपनी कॉपी में या कहीं भी. NODE, steminode. हाँ जी क्या होता है steminode? Anybody? Male starts bearing on a stamen. It is a sterile stamen which do not produce pollen grains. Sterile stamen which does not produce pollen grains. It is steminode. And pistillode. जैसे स्टेमिनोड है ऐसे ही पिस्टिलोड है. इट इज द स्टराइल पिस्टिल विच डज नॉट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. राइट. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस इन फ्लोरेसेंस. कौन बता रहा है बेटा? सीरत आप बताओ बच्चे. Ma'am, in racemos inflorescence, the tip of peduncle keeps on growing and the flowers are born on the lateral sides. And in cymos inflorescence, the flower is born on the tip of the peduncle. Yes. Dusra. And older flowers are towards the base and younger flowers are towards the tip in racemos inflorescence. Cymos mein iska ulta ho jayega. Theek hai ji. ये बिल्कुल ठीक है. दो मेन और एग्जाम्पल तीसरी बताओ. रेसमोस किस में है? मैम एग्जाम्पल याद नहीं. बेटा स्पाइक बता दो. देखो रेसमोस की तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स है. आप मलबरी बता दो, आप वीट बता दो, है ना. और साइमोस आ जाता है आपका, लेट अस से साल्विया में आ जाएगा साइमोस इनफ्लोरेसेंस. ठीक है तो लिख लो एग्जाम्पल. रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, मलबरी, यहां दिया नहीं ना, वो कोई एग्जाम्पल्स नहीं है. तो मलबरी जो है वो है, उसके बाद आ जाता है देन योर हाइपनथोडियम आ जाएगा, एरम, सॉरी हाइपनथोडियम में स्पेडिक्स आ जाएगा एरम में. ठीक है जी. साइमोस इनफ्लोरेसेंस एग्जांपल आ जाइए, मैंने आपको बताया तुलसी, इट इज अ टाइप ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डायकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स। हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? गुंजन आप बताओ बेटा, डायकॉट एंड मोनोकॉट सीड। हाँ, डायकॉट में टू कॉटिलीडन्स, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन। हाँ जी, डायकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक एंड मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस हैं ऑर्फ। बिल्कुल ठीक है, डायकॉट सीड्स आर, वैसे डायकॉट दोनों ही हो सकते हैं, डायकॉट सीड्स कैन भी आप लिख सकते हो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, वेयर एज मोनोकॉट सीड्स आर मेनली एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट ऑर्किड्स। हाँ जी, और मैम डायकॉट सीड्स का पिन्यूल लेटर ऑन बिकम शूट दैट फॉर्म्स स्टेम्स एंड लीव्स। बेटे मोनोकॉट में भी यही फंक्शन होता है, मेन तो यही दो जो आपने बताए हैं वही है, क्योंकि फंक्शंस तो सेम ही है। इन डायकॉट सीड्स देयर इज प्रेजेंट टू कॉटिलीडन्स, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन। डायकॉट सीड्स कैन बी एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट सीड्स आर मेनली एंडोस्पर्मिक सीड्स, है ना? यही चीजें हैं, दो मेन यही डिफरेंस है, बाकी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो डायकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बेटा एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। हाँ जी बच्चे, सरगम आप बताओ। अच्छा बेटा, एक डायकॉट मोनोकॉट सीड में एक डिफरेंस और है, इन मोनोकॉट सीड्स कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा आर मेम्ब्रेनस शीट्स विच आर प्रेजेंट। ये आपको पता है कहां कहां पे, डायकॉट में नो कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा। ठीक है जी, हाँ जी सरगम, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। यस मैम, इन एंडोस्पर्मिक सीड्स मैम द एंडोस्पर्म इज स्टिल लेफ्ट एंड इट इज नॉट फुली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियोलर सैक, एंड मैम इन द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स द देयर इज नो एंडोस्पर्म बट द होल ऑफ द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्मिक सीड्स एग्जांपल मैम पी, पी नहीं है बेटा, पी में तो एंडोस्पर्म है ही नहीं है, मेज में है, कैस्टर में है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स पी है, ऑर्किड्स है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट शिवांशी, पॉलीसेप्लस एंड गैमोसेप्लस कंडीशन। Mama, I have not done this part. You have not done. कोई बात नहीं, कृष्णा आप बताइए पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस। मैम पॉलीसेप्लस व्हेन द सेपल्स ऑफ फ्लावर आर फ्री एंड गैमोसेप्लस व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। पॉलीसेप्लस व्हेन द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, गैमोसेप्लस व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट अतिभा, सिनेंथ्रस एंड सिंजनेशियस स्टेमंस। जल्दी से बोलो, हाँ जी, somebody else, कौन बता रहा है मुझे? हाँ जी सीरत आप बताइए बेटा। सिनेंथ्रस का मतलब है व्हेन द, हाँ बोलो, फ्यूज्ड बाय एंथ्रस। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिनेंथ्रस का मतलब फ्यूज्ड है। हाँ, व्हेन द स्टेमंस आर फ्यूज्ड विद एंथ्रस द फिलामेंट्स आर फ्री, दैट इज सिनेंथ्रस। एंड व्हिच इज सिंजनेशियस, इन व्हिच स्टेमंस आर कंप्लीटली फ्यूज्ड। बिल्कुल ठीक है गुंजन, इन व्हिच द स्टेमंस आर कंप्लीटली फ्यूज्ड बाय देयर you know anthers and filaments that are syngenaceous stamens. Is it okay? Theek hai ji, chaliye, this is about your subjective assignment. Main ab objective bhi dikha deti hu. Haan ji beta, which of the following are correct?
ठीक है, तो ये हमने देखना है कि कौन सा करेक्ट है बिल्कुल। जल्दी से विच ऑफ द, एक मिनट मैं ना तुम्हें दूसरी वाली कर, एक सेकेंड। इस पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए जी मुझे जल्दी से, एनीबडी कैन टेल मी, सीड्स इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ये ठीक है कि गलत है? यस ठीक है, ये करेक्ट है। बनाना इज ए पार्थिनोकार्पिक एंड फॉल्स बेरी, एफ ए एल एस ई कर लेना, फॉल्स बेरी, ये भी ठीक है, फॉल्स फ्रूट है ये और पार्थिनोकार्पिक है, ये आपको पता है। हाँ जी नेक्स्ट, ये देखिए ये अपनी कॉपी में भी लिखना, एपिथेलियल लेयर ऑफ सीड्स ऑफ मेज, निकालो जरा मोनोकॉट सीड वाला पेज निकालो जहां पे हमने मेज ग्रेन का लिखा है। देयर इज प्रेजेंट, वहां पे ये लिखिए और यहाँ पे देखो भी जरा, ये हमने ऐसे करके मेज ग्रेन बनाया था। This is endosperm. This is cotyledon. और यहां पे बेटा दोनों के बीच में जो लेयर है, this is epithelial layer. लिखो बेटा जरा, epithelial layer is present. Monocot seed में लिखो, epithelial layer is present between एंडोस्पर्म एंड स्क्यूटेलम ऑफ मेज। स्क्यूटेलम ऑफ मेज एंड इट सिक्रीट्स ग्रोथ हॉर्मोन जिब्रोलिन, इट सिक्रीट्स ग्रोथ हॉर्मोन जिब्रोलिन विच हेल्प्स, विच एक्टिवेट एंजाइम अमाइलेज, which activates enzyme amylase that digest the starchy endosperm, that digest ya hydrolyze starchy endosperm which is then used by the growing embryo, which is then used by the embryo during seed germination, during seed germination. ठीक है जी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। उसके बाद the ray florets of sunflower consist of staminodes, ये गलत है because ray florets are bisexual flowers. So answer B is correct, all correct except fourth. मतलब 1, 2, 3 correct है, fourth जो है वो wrong है. The fruit which develops from, हाँ जी ये बताइए बेटा सरगम, question number 2 बताओ, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, इट इज एग्रीगेट फ्रूट। फाइब्रस फ्रूट वॉल लेयर, सीरत आप बताइए फाइब्रस फ्रूट वॉल लेयर इज फाउंड इन, मैम कोकोनट, कोकोनट वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए शिवांशी आप, सिमिलैरिटी इन ऑर्किड्स एंड पी सीड्स इज दैट, मैम बी ऑप्शन, बोथ आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, बिल्कुल ठीक है। मैं वही बताने लगी हूँ, लिखो जरा अपनी कॉपी में पेरिस्पर्म। हमने क्या किया था बेटा मुझे अब आपने बताना है,
ये एक टिश्यू था ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक तो बाद में बनी थी। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज दिस टिश्यू कॉल्ड एज? ये क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस, वेरी गुड, दिस इज न्यूसेलस। जो एम्ब्रियो सैक है या मीगल स्पोर है वो इसको खा जाता है। बट इन सम केसेस some of the endosperm is still left, some of the new cells is still left in the seed. And this leftover nucellus is called as perisperm. Leftover nucellus is called as perisperm. Example आ जाता है बेटा, seeds of pinus, chilgoza जिसको बोलते हैं, ये अर्नव को पता होगा, बाकी तो यहाँ आसपास के लोगों ने chilgoza यहाँ पे कम ही मिलता है। खाया चिलगोजा सबने? खाया कि नहीं? यस मैम। है ना, कार्तिक ने खाया है, अर्नब को पता होगा, बाकी अगर मेरे पास हुआ है, मेरे पास थोड़े से है, मैं आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम कि चिलगोजा कैसे होते हैं। तो शायद आपने खाए भी होगा। नाम क्या था? चिलगोजा या न्योजेक हम कह देते हैं उनको, ठीक है? यस। तो पेरिस्पर्म क्या चीज है? पेरिस्पर्म इज द persistent nucellus which is not consumed during formation of embryo sac, हाँ जी, next आ जाओ। अतिभा आप बताइए बेटा, monocarpellary unilocular ovary with single ovule किसमें present है बच्चे? बेसल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये थोड़ा सा ये याद करने वाला है। कौन बता रहा है बेटा? कृषा बता रही है मुझे। ब्रिंजल, ब्रिंजल में अगर आपको याद हो, ब्रिंजल है सोलेनेसी फैमिली, इसमें क्या है देखो जरा। हाँ जी, कैसी कंडीशन होती है सोलेनेसी में बेटा? स्टेमंस का देखो क्या है, देखो अपनी कॉपी में देखो जरा। इट इज एपीपेटलस, ठीक है? तो ब्रिंजल, ब्रिंजल किसमें आता है? सोलेनेसी में, एपीपेटलस कंडीशन। तो 1 का 4 ये सी और डी दो आ जाते हैं। उसके बाद चाइना रोज, चाइना रोज में हमने क्या बताया था, कितने ग्रुप में है? हाँ जी, यस, चाइना रोज मालवेसी फैमिली है, मोनोडल्फस। इट इज मोनोडल्फस बिकॉज ऑल स्टेमन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ये लास्ट चॉइस हो गई बेटा, कि कोई और भी है? फर्स्ट वाला भी तो है ना। चलिए थर्ड देखिए, पी में बताओ, सिट्रस रहने दो, पी बताओ। पी में 9+1 अरेंजमेंट हो जाता है, डायडेल्फस, फोर्थ का थर्ड। फिर ये वाला आ गया ना, फर्स्ट वाला आ गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनेशियम इज फाउंड इन, हाँ जी, कौन बता रहा है? सरगम, हाँ जी बेटा, मल्टी कार्पेलरी टोमेटो तो एक ही फ्रूट लगता है, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस है वो। तो हमने कहा एग्रीगेट, इट इज ब्लैकबेरी, है ना, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना, इनमें मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन है।
हाँ जी नेक्स्ट कौन बता रहा है, ये तो बता सकते हो कार्तिक जल्दी से, पाइसम सेटाइवम बिलोंग्स टू विच फैमिली? बेटा पिपिलियोनेसी या फेबेसी, एक ही बात है, लिख लो अपनी कॉपी में। हमने पिपिलियोनेसी शायद किया है नाम, कि फेबेसी है? फेबेसी। हाँ फेबेसी का दूसरा नाम बता दो दूसरे, पिपिलियोनेसी, पी ए पी आई एल आई ओ, पिपिलियोनेसी, एन ए सी ई ए ई। चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं। कार्तिक मुझे आपकी आवाज सच में नहीं आ रही बेटा। चलिए अब अगला देखो, पी सीड्स में सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक, ये ठीक है कि गलत है? पी में जो सीड्स है वो कैसे होते हैं बेटा, एंडोस्पर्मिक कि नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। प्लेसेंटेशन कैसी होती है? मार्जिनल होती है, इसलिए ये गलत हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पोटैटो, पोटैटो में एपिपेटलस स्टेमंस है, बताओ जरा जल्दी से। यस मैम। उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन है, यस मैम, बिल्कुल ठीक है। एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये ठीक है, तीनों करेक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आगे फिर आ जाता है मेज, मेज आ जाता है बेटा ग्रेमिनी फैमिली, है ना, तो उसमें पहली बात तो एपिपेटलस स्टेमंस भी नहीं होते, उसके बाद सीड्स उसमें एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो ये गलत होगा। उसके बाद अनियन, अनियन है लिलिएसी, उसके बाद इसमें है स्टेमंस फ्यूज्ड विद देयर बाय देयर फिलामेंट, गलत है, क्योंकि लिलिएसी में आप देखते हो कि स्टेमंस फ्री है। उसके बाद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एक्साइल, ये बात की बात है, पहली ही स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आप बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंटीरियर पेटल्स आर जॉइंट टू फॉर्म कील, ये किस में आएगा? बीम, इट इज बीम, बिल्कुल ठीक है। गुलमोहर इसी की एग्जांपल आ जाती है, देखो जरा बेटा गुलमोहर भी तो इसी में ही है, फेबेसी में। मैम आपने लिखवाया नहीं है ना बेटे, ये दोनों एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, गुलमोहर भी और बीन्स भी, दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों फेबेसी की एग्जाम्पल्स हैं, गुलमोहर एंड बीन, दोनों आंसर ठीक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम नाइन्थ का आंसर क्या है? नाइन्थ का आंसर है बेटा बीटा, पोटैटो वाला। टेंथ का ए और सी, ए और डेल्टा दोनों आंसर्स है। उसके बाद कॉटिलिडन्स बेटा किस में, देखो ग्राउंडनट में भी कॉटिलिडन्स खाते हैं, वॉलनट में भी कॉटिलिडन्स खाते हैं, और कैश्यूनट में भी कॉटिलिडन्स खाते हैं, ठीक है। फ्रेंच बीन में तो हम सीड्स खा रहे हैं। अब टेस्टा किस में खाते हैं बेटा, ये हम पोमेग्रेनेट में, पोमेग्रेनेट अनार में, अनार में हम क्या खा रहे हैं, फ्लैशी टेस्टा खा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो उसके सफेद सा सीड निकलता है वो तो हम घेर देते हैं, या कुछ लोग इंजेस्ट भी कर जाते हैं, बट खाने वाला पार्ट क्या है, एडिबल टेस्टा, जो वो रेड रेड जूसी सा पार्ट है। सो आंसर ए इज करेक्ट, 11th ए। हाँ जी अब जल्दी से बताइए, प्राइमोस एंड डायंथस है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है कि गलत है? ठीक है। Placenta are born on the ventral suture of ovary in basal placentation. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect because यहाँ पे marginal आता तब ठीक था। Mustard has multicarpellary syncarpus multilocular ovary with replum. Correct or incorrect? अगर आप parietal placentation में देखेंगे तो वहां पे सिर्फ मालवेसी फैमिली, एग्जाम्पल मस्टर्ड, उसमें फॉल्स सेप्टा है जिसको हम रेप्लम कहते हैं, ठीक है। सो टू स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्लावर ऑफ केशिया आर एक्टिनोमॉर्फिक, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट।
देखो अगर अकेशिया में कैसा फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, बिल्कुल ठीक। तो टू स्टेटमेंट्स ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में फर्स्ट एंड थर्ड। एक तो यहाँ प्राइम रोज है, प्राइम रोज एंड डायंथस। हाँ जी, ये कौन सी प्लेसेंटेशन है बेटा, रेसमोस की साइमोस? इट इज साइमोस, देख रहे हो आप हर टिप पे फ्लावर आ रहा है, सो इट इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। कौन सा अरेंजमेंट होता है, एक्रोपिटल की बेसिपिटल? टिपिकल और सेंट्रीफ्यूगल फैशन, इट इज डेल्टा। विच सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव पेरिगाइनस ओवरी? जल्दी से, कौन सी है बेटा? प्लम, रोज एंड पीच, ये वाली है? यस। तो आंसर इज बीटा, पेरिगाइनस इज प्लम, रोज एंड पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज एपिगाइनस ओवरी? हाँ जी, ए बी सी एंड डी, इसमें से कौन सी एपिगाइनस है? इट इज डेल्टा, एपिगाइनस मीन्स इंफीरियर ओवरी, ठीक है, सो आंसर इज डेल्टा। ए है दैट इज हाइपोगाइनस, बी एंड सी पेरिगाइनस, एंड डी जो है this is epigynous. Which of the following type of aestivation is characteristic of P family? कौन सी है जी? कौन सा? Delta, beta? Delta. बिल्कुल ठीक है, delta. Which of the following statement is true for mango fruit? It is a drupe, a fleshy fruit. ठीक है कि गलत है? Correct. Mesocarp is undifferentiated and whole fruit is edible except seed. यहाँ पे mesocarp की जगह लिखो pericarp. Pericarp is undifferentiated. ठीक कर लेना यहाँ पे, ये गलत है ना, क्योंकि epicarp, mesocarp, endocarp ये differentiated है. उसके बाद है it develops from monocarpellary superior ovary. Is it right or not? It develops from monocarpellary. ये ठीक है बेटा, it develops from monocarpellary superior ovary. इसमें से कौन सा आएगा? चलिए देखिए, इट इज ए फॉल्स फ्रूट एज थैलेमस इज फ्यूज्ड विद, ये तो गलत है बेटा, है ना, बिकॉज इट इज ए ट्रू फ्रूट मैंगो के लिए. तो यहाँ पे कुछ ठीक कीजिए, वन एंड थ्री आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, कोई चॉइस कीजिए. ट्रू पूछा है, फर्स्ट ठीक है एंड थर्ड ठीक है. पेरिकार्प, मतलब पेरिकार्प होना चाहिए यहाँ पे, पेरिकार्प इज अनडिफरेंशिएटेड, ये तो गलत है ना. पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है. तो वन एंड थ्री आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्साइल प्लेसेंटेशन? जल्दी से, ए बी सी डी में से बीटा है ना, बीटा इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. Hilum in seeds represent attachment of funiculus. बिल्कुल ठीक. Next आ जाता है, in which of the following the seed has endosperm covered by aleurone layer and the seed coat is fused with pericarp? हाँ जी, जल्दी से, जिसमें endosperm है और जो इसमें protein endosperm जो है वो प्रोटीन एंडोस्पर्म से कवर्ड है, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प, फ्रूट वॉल किसमें है?
मेज में, बिल्कुल ठीक है, मोनोकॉट्स में है ना, इट इज इन मेज, वीट, राइस, इसमें है. पेरिगाइनस कंडीशन अकर्स इन कौन से, दोबारा से देखो कौन सी है. पेरिगाइनस इज प्रेजेंट इन एक गुआवा में बेटा, नहीं पेरिगाइनस जो है इट इज प्रेजेंट इन, ये तो ऊपर भी आ चुका था, प्लम, रोज एंड पीच. प्लम, रोज, एप्पल में होती है, एप्पल में भी. हाँ आंसर ए है जी. What is common in between the flowers of cucumber, sunflower and pomegranate? देखो जी, पहले अगर हम ये देखें कि they all are hypogynous, ऐसा नहीं है. They all have parietal placentation, ये देखते हैं. Epigynous, they belong to family. नहीं बेटा, cucurbitaceae में cucumber आता है, ये इनकी family लिख लो, कुकंबर कुकरबिटेसी, सनफ्लावर एस्ट्रेसी, पोमेग्रेनेट की मुझे भी याद नहीं है, एस्ट्रेसी ये नहीं है. ठीक है, इन सब में एक कॉमन चीज है, दे हैव पेराइटल प्लेसेंटेशन. एक बार हम चेक करें जरा, एक मिनट. नहीं, ये है बच्चे, दे ऑल आर एपिगाइनस, कर लो यहां पे आंसर, दे ऑल आर एपिगाइनस. एपिगाइनस मीन्स इंफीरियर ओवरी, कुकम्बर, सनफ्लावर एंड पोमेग्रेनेट, दे ऑल हैव इंफीरियर फ्लावर्स. हाँ जी, इन द फ्लोरल डायग्राम ऑफ, हाँ जी ये जो है ये किसका फ्लोरल डायग्राम है बेटा, देखो तीन अंदर है, तीन बाहर है, पेरियंथ नजर आ रहा है, 3+3 का अरेंजमेंट. यहाँ पे किसका आ जाएगा, अनियन, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज अनियन. When flowers are born laterally on the indefinite growing floral axis, flower मतलब इनडेफिनेट, मतलब पिडंकल की टिप पे फ्लावर नहीं है, उस इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, रेसमोस की साइमोस. इट इज रेसमोस इनफ्लोरेसेंस. सीरत आपने ही बताया था बेटा मुझे, आंसर इज रेसमोस इनफ्लोरेसेंस. ये बता दीजिए अब, the swollen end of a stalk which bears the flower is called hallemus, है ना? जो stalk है उसका swollen end, flattened end क्या बोल देते हैं उसको, thallemus. Next आ जाते हैं mustard and datura flowers are, कैसे है बेटा ये, हाँ जी पहले ये बताइए मस्टर्ड क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है. Yes, एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है, तो आंसर इसमें आ जाता है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस, आंसर सी इज देयर. फिर भी हम चेक कर लें एक बार. आंसर इज सी, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस फ्लावर्स आर प्रेजेंट. व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलोक्युलर ओब्लीक ओवरी. यहां भी जहां सोलेनेसी लिखी है, जल्दी से करो अपनी कॉपी में खोलो, सोलेनेसी में एक पॉइंट लिखिए, ओब्लीक ओवरी इज प्रेजेंट. जहां पे ओब्लीक आ जाए वहां पे लिखो सोलेनेसी. सोलेनेसी फैमिली हमने की थी, वहां पे पॉइंट लिखिए,
इट हैज ओब्लीक ओवरी. ओब्लीक मतलब टेढ़ी प्रेजेंट है, थोड़ी सी टेढ़ी होकर प्रेजेंट है, ओब्लीक फैशन में है. इनकरेक्ट मैच इज, देखो बाकी कुछ भी ना पता हो बट कोलियोपटाइल तो पता है ना, पी पी से याद रहेगा, पी से प्लूमूल. सो कोलियोपटाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लूमूल, नॉट रेडिकल. सो आंसर दिस इज इनकरेक्ट. हां जी ये बताइए फ्लोरल फॉर्मूला, ये किसका है जल्दी से देखो. The floral formula is calyx 5 free, androsium 5 free, gynecium 2 fused is that of tobacco. Is for tobacco mein beta yahan pe ye formula apni copy mein theek karo, matlab apne assignment mein theek karo. 5 fused और यहाँ पे करोला भी आएगा, ये पूरा नहीं है. एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, केलेक्स 5 के आसपास ब्रैकेट डालो, करोला 5 फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम 5 फ्री है, गाइनेशियम 2 फ्यूज्ड है एंड सुपीरियर है, नीचे वाला डालो. तो ये आंसर है टोबैको. एस्टिवेशन आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लावर. एनुअल्स एंड बायनियल्स, ये अपनी कॉपी में लिखो, ये मैंने जान के दिया था ताकि आपको पता हो. एनुअल्स क्या है, विच ग्रो ओनली फॉर वन सीजन, विच ग्रो ओनली फॉर वन सीजन, जैसे गोभी हो गई, मटर हो गए, है ना, 3-4 महीने की लाइफ है, उसके बाद फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं और फिर ये मर जाते हैं. एनुअल्स आर द प्लांट्स विच ग्रो फॉर वन सीजन ओनली. उसके बाद हाँ, उसके बाद हम दोबारा से इसके प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है. एंड दे मोनोकार्पिक, दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओनली वंस. They bear flowers and fruits only once in their lifespan. उसके बाद biennials, biennials जैसे wheat होती है बेटा, हम सर्दियों में लगाते हैं तो गर्मियों में जाकर उसकी हमें crop मिलती है, ठीक है. That are biennials. Biennials are those which grow for 2 seasons. Biennials are those which grow for 2 seasons. In 1 season, they show vegetative growth. And in another season, they form flowers and fruits. Biennials are also monocarpic. Biennials are also monocarpic because they bear flowers and fruits only once in their lifespan. For example, wheat, rice. उसके बाद बेटा ये जो बड़े बड़े पेड़ है हमारे, जैसे एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ये एक बार लगा दिए, 3-4 साल तक ये ग्रो करते हैं करते हैं, उसके बाद हर साल ये फल देते हैं, ठीक है. सो दीज आर पॉलीकार्पिक, और ये बहुत साल तक लगे रहते हैं, इनको हम कहते हैं पेरिनियल्स. नेक्स्ट आ जाइए पेरिनियल्स, PERENIALS. पेरिनियल्स, PERENIALS. Which grow for many years. Which grow for many years. Perennials are of two types.
मोनोकार्पिक, सेकेंड है पॉलीकार्पिक. फर्स्ट है मोनोकार्पिक, सेकेंड है पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक की एग्जाम्पल आ जाती है बेटा बैम्बूस. मोनोकार्पिक की एग्जाम्पल है बैम्बूस. दे ग्रो फॉर मेनी ईयर्स. बैम्बूस के बारे में मैं बता रही हूं, दे ग्रो फॉर मेनी ईयर्स. कॉमा, आफ्टर मेनी ईयर्स दे फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड्स. दे फॉर्म सीड्स एंड फ्रूट्स एंड डाई आफ्टरवर्ड्स. एंड डाई आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद ये मर जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं पॉलीकार्पिक. एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल, लीची एक्सेट्रा. इसमें लिखिए दे ग्रो वेजिटेटिवली फॉर फ्यू इयर्स. दे ग्रो वेजिटेटिवली फॉर फ्यू इयर्स आफ्टर विच दे फॉर्म फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ईच ईयर. आफ्टर विच they form flowers and fruits each year. चलिए जी, next देखिए. In racemose inflorescence, the flowers are born in basipetal order. ये गलत है बेटा, क्योंकि acropetal है. Epigynous flowers have inferior ovary. This is correct. In brinjal, the ovary is superior. ये भी ठीक है. So, 2 and 3 are true, but 1 is false. नहीं. 1 and epigynous, ये तो नहीं है. Epigynous, हाँ, epigynous is inferior ovary. ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 1 and 3. I'm sorry. 2 and 3 are true, but 1 is false. रेसमोस इनफ्लोरेसेंस वाला गलत है ना, बाकी तो ठीक है. सो आंसर सी इज करेक्ट. आंसर आंसर सी इज करेक्ट. हां जी, ये बताइए, आप बताइए, व्हाट इज दिस एस्टिवेशन? बोलो बेटा, ए में कौन सी एस्टिवेशन है? वॉल्वेट. बी में बताइए, ट्विस्टेड. बी में कौन सी है? ट्विस्टेड. सी में कौन सी है? एक पूरी अंदर है, एक पूरी बाहर है. इम्ब्रिकेट. और ये कौन सी है लास्ट वाली? इसको क्विंक्विशियल कह देते हैं. ये चाहे आप छोड़ दो, है ना. ए बी सी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं आपको पता. ठीक है, सो ए बी सी. सो ए वॉल्वेट, बी ट्विस्टेड एंड सी इम्ब्रिकेट. ठीक है, ये आपको पता है, तो इसके हिसाब से आप लिख लोगे. ये प्लेसेंटेशन है. जल्दी से बताइए, ये कौन सी प्लेसेंटेशन होगी बेटा? पेराइटल. ये वाली एक ही ओव्यूल है, बेस ऑफ द ओवरी से अटैच है, इट इज बेसल. यहाँ पे देखिए, यस, ये वाली देखो, सेप्टा है, बीच में ओव्यूल्स अटैच है. दिस इज एक्साइल बेटा. और डी कौन सी है? फ्री सेंट्रल. ठीक है जी, सो दिस इज ए पेराइटल, बी बेसल, सी एक्साइल एंड डी फ्री सेंट्रल. हाँ जी, ये कौन से स्टेमन्स है? ए वाला स्टेमन कौन सा है? इट इज, हाँ जी बेटा,
नहीं देखो बेटा ये पूरा अंदर कनेक्टिव तक पहुंच रहा है एडनेट, ठीक है, और बी वाला है बेसी फिक्स्ड, सी है डोर्सी फिक्स्ड, एंड डी है वर्सेटाइल लूज। ए है एडनेट, बी नीचे से अटैच्ड है बेसी फिक्स्ड, ये पीछे से डोर्सी फिक्स्ड, और ये लूजली अटैच्ड है, दैट इज वर्सेटाइल स्टेमन। इज इट ओके? यस, ठीक है जी। सो हाँ जी बेटा, अब मैं थोड़ा सा जो मैं बताने लगी हूँ ये अपने इसी मोर्फोलॉजी वाले में ही थोड़ा सा लिख लेना ताकि आपको याद रहे और कंफ्यूजन ना हो। हमने न्यूट्रिटिव टिश्यू की बात की थी, तो न्यूसेलस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो सेल, ठीक है, जनरली कंज्यूम हो जाता है परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड्स। इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। उसके बाद आ जाता है एंडोस्पर्म। इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये लिख लो ताकि न्यूसेलस और एंडोस्पर्म में कंफ्यूजन ना हो। ये जो है इट इज प्रेजेंट इन ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं स्कूल वाले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूसेलस एंड एंडोस्पर्म। न्यूसेलस जो है वो 2N होता है, और एंडोस्पर्म क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं इसलिए इट इज 3N, जनरली इट इज 3N। ठीक है जी, अगर कोई डिफरेंस पूछ ले तो ये है, तो तीन डिफरेंसेस आ जाएंगे, राइट? कर लिया, रब कर दें। यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एनिमल टिश्यूज। तो टिश्यू है क्या चीज है? ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। It is called as tissue. Study of tissues in animals, इसको हम कहते हैं histology. Study of tissues and internal structures in animals, it is called as histology. Types of animal tissues.
epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and fourth आ जाता है nervous tissue. We have done nervous tissue in neural coordination, muscular tissue in muscular system, connective tissue. Connective tissue is further of various type. Connective tissue proper, fluid connective tissue, and skeletal connective tissue. Skeletal connective tissue में आ जाता है bones and cartilages. मुझे ये बताओ कि हमने बोन्स एंड कार्टिलेजेस किए थे कि नहीं किए थे. मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मैंने बोन का स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं, कि सिर्फ हमने मस्कुलर ही किया था. किया था? अच्छा चलो कर लेंगे. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये हमने किया है, that is blood and lymph. ये हमने सर्कुलेटरी में कर लिया है. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम कर देते हैं एरियोलर टिश्यू, उसके बाद फाइब्रस टिश्यू, उसके बाद स्पेशल टिश्यू. ये हम करेंगे. उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कवरिंग टिश्यू, क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स को एपिथेलियम सराउंड करती है, कवर करती है. ठीक है जी. एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास आ जाती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरी आ जाती है स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीलेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो थ्री टाइप की है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. Is it okay? ठीक है बेटा. तो आज हम थोड़ा सा जल्दी बंद करेंगे, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा. सो वी विल ट्राई कि हम ये मंडे को खत्म कर सके. ठीक है जी. एंड संडे को अगेन यू विल हैव टेस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी. ओके.